हाँ जी शैलेंद्र जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं सर एक बात रखना चाहता, बहुत दिनों से बात करना चाहता था आपसे, आज मुझे मौका मिला इसलिए मैं एक बात कहना चाह रहा था सर। हेलो सर, आवाज आती मेरी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सर क्या, मैं कैमरा चलाता, मतलब कि मैं शादी वगैरह में रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ, जैसे स्टूडियो पे काम करता हूँ। तो मैं आज एक शादी में गया था, तो वहाँ जो लोग थे ना वो ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण समाज था पूरा, उनकी शादी में गया था मैं आज। ओके सर, ओके सर। वो क्या था, एक जैसे बंडा, बंडा मतलब एक उन्होंने नाम रखा, मतलब बताया था बंडा। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी का कोई सस्पेंस तो समझ में नहीं आया, पर उन लोगों ने जैसे चमार कहा था, मतलब कि जाटव जो समाज है, चमार समाज है, वो बोल रहे थे कि ये लोग पहले मतलब कि निकल के जाते थे तो कोई बोलने की ताकत तो रखता नहीं था, और जो जैसे गांव के अंदर पैर रखते थे तो ये चप्पल वगैरह भी उतरवा लेते थे, नंगे पैर ही जाना पड़ता था। तो वो बता रहे थे उनकी जो मतलब की बहू थी, मतलब एक लेडीज थी, तो उसका नाम जानकी था, जानकी। तो वो बता रहे थे कि साधु जैसे उन्होंने कहा कि जानकी यहाँ है, तो राम जैसे राम की जानकी वो पत्नी नहीं है, सीता जानकी कहते हैं। तो उन्होंने उस कहानी को बताया मुझे, तो मैंने उनको टोका वहाँ कि नहीं यार ये तो गलत है, तुम इसका प्रूफ कहाँ है। तो फिर वो मुझसे थोड़ा कितनी थोड़ा लड़ने लगे, बहस करने लगे। और मैं सर आपका भी चैनल देखता हूँ साइंस जर्नी, काफी साल से देख रहा हूँ, और सर का भी देखता हूँ, द रियल वो आजाद सर का, अमित सर का भी डिबेट देखता हूँ मैं। तो मैं बहस करने लगा, फिर मैंने गीता पे बात की थी, तो वो मतलब थोड़ी बहस बढ़ गई थी, पर हुआ वही कि सत्य की विजय होनी है, क्योंकि मैं रियलिस्ट आजाद टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हूँ ना, तो मैंने फिर प्रूफ दिखाया उन्हें, तो बहुत सारे लोग थे, फिर मैं वहां मैंने कहा चलो छोड़ो अपनी मैं बात करता, यही बात करनी थी। ओके ओके, और अच्छा किया। और जय भीम, जय भीम सर। मैं आपके भी चैनल बहुत देखता हूँ, धाकड़ न्यूज देखता हूँ सर, सॉरी धाकड़ वो आपका ना। हाँ हाँ सर, वो क्या मैं एक दिन आपका वो देखा था, वो एक सॉन्ग था उसको, मतलब वो बलात्कार वाला देखा था सर, ज्यादा टाइम नहीं था सर, मैं बस इतनी बात करना था। ठीक है सर, ठीक है भाई। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, एक्चुअली सर साइंस जर्नी आपको बहुत समय से देख रहा हूँ, आपके चैनल्स काफी समय सुन रहा हूँ। दरअसल रेशनल तो मैं काफी थॉट्स मेरे पहले से थे, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस आया आपके को देखकर। तो दरअसल मेरे कुछ क्यूरीज हैं सर आपसे, कि चूंकि मैं ब्राह्मण कम्युनिटी में जन्म लिया हूँ, तो हमारे कम्युनिटी में तो चलो लोग आस्तिक हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना। तो मैं तो सर वैसे तो रेशनल थॉट्स होने की वजह से ईश्वर वगैरह में विश्वास नहीं करता, तो अपने समाज में इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लोग क्या है, मेरी बातें सुन लेते हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ तो इसलिए मेरी बात मान लेते हैं, बट वो फिर वो गाली गलौज पे उतरते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन सर ये है कि बात तो जो वैसे पिछड़ी जाति के लोग हैं या जिनको पिछड़ी जाति कहते हैं, उनको जब मैं समझाता हूँ तो उन्हीं का पक्ष ले लेते हैं, ब्राह्मणों को साइड में उड़ाकर हमारे ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं उनको खुद बताता हूँ कि मैं ब्राह्मण परिवार से होने के बाद भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, और हम कोई भी ऊंचा नीच नहीं है। इवन वो लोग उनका पक्ष लेके और हमसे झगड़ा करने लगते हैं कई बार, और वो उनको देखा है सर, वो ईश्वर की पूजा करना, प्रैक्टिस करना, वो सारे कर रहे हैं। ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ पिछड़ी जातों में इस तरह के लोग देखे गए हैं सर, तो उनसे कैसे डील करूँ। कई बार उनको डिबेट करता हूँ, उनको डिबंक करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो दिक्कत आ जाती है सर। जी जी, देखें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने पूजा पाठ कर रहा है या धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें उसकी कोई गलती है नहीं। दरअसल कोई भी व्यक्ति जो है उसकी नहीं गलती है। इवन एक मुस्लिम भी जो है, तो उसका बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसका बाप जो है उसको दो थप्पड़ लगाएगा, कहेगा चल नमाज पढ़। अब बच्चे की क्या गलती है बताइए, वो तो बेचारा देखेगा कि बाप ने मुझे थप्पड़ लगाया था। अब बच्चे को कोई थप्पड़ लगा दे कि भैया तू जा घंटा बजा, चल पूजा कर, तुझे प्रार्थना करनी है, अब वो करेगा ही करेगा। बड़ा होगा तो वो सवाल पूछना बंद कर देगा, ठीक है ना। वो उसी चीज पर जिस पर उसको थप्पड़ पड़ी है, मार पड़ी है, उसको वो कल्चर समझ लेगा कि ये हमारे पूर्वजों का कल्चर है, पिताजी तो हमको ठोक पीट कर यही सब सिखाए थे, ये तो हमारे दादाजी भी यही करते थे, हमारे पिताजी, तो हम अब उसको कल्चर समझ लेगा। आगे जब कोई दूसरा बात वो कहेगा कि यार तुम बचपन में सही थे,
तो वो उससे अब लड़ने लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं नहीं ये हमारे पिताजी यही काम करते आए हैं, हम पिताजी की बात मान रहे हैं, हम कोई गलत काम थोड़े कर रहे हैं। तो अब जब इस तरह की बात आ जाती है ना, तो वहां पे क्वेश्चनिंग, जैसे मान लीजिए कि एक घोड़ा है, अब घोड़ा कहे कि हम घास से कैसे दोस्ती कर लेंगे, घोड़ा जो है अगर घास खाता है तो कहेगा कैसे दोस्ती, कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है वहां पे। अब वो उसको कल्चर समझ लिया, तो हमें अब उसको ये रियलाइज कराना पड़ेगा, जैसे उसके पिता ने उसको डर दिखा के मार पीट के रियलाइज करवाया था कि बेटा तुमको यही काम करना है, अब हमें उसको ये रियलाइज कराना है कि नहीं अब आप उसको डर से बाहर निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि सेम वे वही प्रकट करते हैं, अब उसके पिताजी की तरह तो आप उसको थप्पड़ लगा के डरा के नहीं कर सकते, वो मैच्योर बन चुका है, बड़ा हो चुका है, और डरेगा भी नहीं। तो इसीलिए अब हमें उन तरीकों को अपनाना होगा, उन तरीकों को समझना होगा जिससे उन पर वो सत्य को समझने का, जानने का जो नजरिया है वो डेवलप हो सके, विकसित हो सके। यानी कि आप समझिए कि हर जो धार्मिक व्यक्ति है एक तरह से वो पीड़ित है, बीमार है। वो कहा जाता है ना कि ईश्वर को मानना या इस तरह के भूत प्रेत, ये एक तरह से बीमारी होती है। अब बीमारी का तो इलाज डॉक्टर करता है, तो हमें तो फिर एक मनोचिकित्सक बनना पड़ेगा। अगर आप उसका इलाज करना चाहते हैं तो एक मनोचिकित्सक की तरह सोचना पड़ेगा कि ये क्या चीज, किन चीजों पर रिएक्ट करता है, किन बातों पर इसको समझ में आएगा, कौन सी बातें कहूंगा तब इसको थोड़ा सा समझ में आएगा, कौन सी बात कहूंगा तो बिल्कुल रिएक्ट करके भाग जाएगा, उस पर हमें ध्यान देना होगा। जो जितने भी प्राचीन काल में लोग कहते हैं ना कि बुद्ध तो कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन बताइए जापान से लेकर चीन सब उनका अनुयायी बन गया, तो भैया उन्होंने इन साइकोलॉजी को समझा ना, इस चीज को, इंसान के साइकोलॉजी को समझा। अगर कोई व्यक्ति बिना तलवार डर दिखाए हुए मारे पीटे, बिना भय के अगर कोई उसकी बात मान ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति वास्तव में एक मनोचिकित्सक है, एक डॉक्टर है जो उस इंसान की भावनाओं को समझ सकता है। तो हमें इस तरह से काम करना होगा। आज ओबीसी समाज जो पीछे पड़ा हुआ है, मतलब पीछे है, और वो अचानक से जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के पीछे भागा है, तो एक कहावत होती है कि नया नया जो मुस्लिम बना होता है या जो मौलाना होता है वो ज्यादा भाग देता है जोर जोर से। हाँ, तो अभी पिछड़े वर्ग को, मतलब आजादी से पहले आप देखिए 100-150 साल पहले तो इनको पढ़ने तक का हक नहीं था। वो पहली बार पढ़े थे ज्योतिराव फूले जी पिछड़े वर्ग से, तो पढ़ने का हक नहीं था। जब पढ़ने का हक नहीं था तो कोई ज्ञान नहीं था, ज्ञान वो ब्राह्मण को समझता था, ब्राह्मण उसको मारपीट के रखता था, डरा के रखता था। अब उसको थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिला, थोड़ा ब्राह्मण भी वोट बैंक के लिए थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा बात क्या कर दिया, वो चने की झाड़ पे चढ़ गया है। अब उसे लग रहा है कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हम ही ब्राह्मण की तरह हो गए, भाई ब्राह्मण देखो हमसे बड़ा अच्छा से बात कर रहा है। और उसको एक और बहाना खोज लिया है कि हमसे नीचे भी कोई है, SC ST लोग हमसे नीचे है, एक बहाना भी खोज लिया उसने। तो उसको वो नया नया अभी धार्मिक बना है ना, पहले तो मंदिर उन्दिर में घुसने की इजाजत नहीं थी, उधर जाने की इजाजत नहीं थी, वेद वेद सुनने पर कान वान काट लेने की, पिघला देने की, जीभ काट लेने की वो थी। तो हमें इस विज्ञान को समझना होगा, फिर तब हम लोग उसको वो कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। अरुण जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं बस इस पे यही कहना चाहूंगा कि लोग हमारे कहने से अब बदलने वाले थोड़े कम हैं, हमें पहले खुद को बदलना पड़ेगा, लोग हमें देख के खुद बदल जाएंगे। अगर हम कहते जाएंगे तो वो हम पे तुरंत हावी हो जाएंगे, और हमारी समझ से अब उन लोगों को समझाना ही नहीं चाहिए जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है। हमें छोटे छोटे बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ये आने वाले भविष्य हैं। किसी बुजुर्ग को समझाते हैं, किसी बुजुर्ग को कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, तो अपनी पूरी जिंदगी में इन चीजों को धारणा किया हुआ है, वो कैसे मानेगा हमारे जैसे लड़के की बात सुन के, कहेगा तुम हमारे सामने पैदा हुआ तो कैसे बता सकता है इस बात को। तो हमें छोटे छोटे बच्चों को समझाना चाहिए, वो आसानी से समझ जाएंगे, वो जब बड़े होंगे तो 10 लोगों को समझाने लगेंगे, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो कल मर जाएंगे, कोई बात नहीं समझाने से उन्हें, वो जैसे जी रहे हैं उस दिन बात खत्म हो जाएंगे वो। जी जी जी। अच्छा सर एक सर और कहना था सर, बस मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ सर, कि चूंकि ये है ना, आपने जो भी डिबेट और रेशनल चैनल पे करते हैं उन डिबेट को मैं रेगुलर सुनता रहता हूँ, तो उससे क्या है काफी कुछ चीजें पता लगती हैं। और जो आपने ये जो दिखाते हैं धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उल्टा सुलटा, ये पहले हमको इतना नहीं पता था कि, चूंकि घर में किताबें रखी रहती हैं, फैमिली उसी बैकग्राउंड से, तो किताबें फिर मैंने खोल के जब देखना शुरू किया तो वो सब चीज वैसी निकल रही है। तो से फिर मैंने फैमिली मेंबर्स को भी दिखाना शुरू कर दिया और उसमें भी काफी रेशनैलिटी आ रही धीमे धीमे लोगों, मैंने तो अपने आप को पूरा चेंज ही कर लिया, बिल्कुल पूरा एथिस्ट बन चुका हूँ और इन सब चीजों में विश्वास उठा दिया।
आपके जो रिसोर्सेस आप जो निकाल रहे हैं, जो रिसर्च आपने की है वो वाकई बहुत डीप है आपकी, और रिसर्च से मेरे को काफी हेल्प हो रही है समाज में इन सब चीजों को बताने में। तो आज तो मेरा दिन बन गया, आज बहुत पहली बार मैं आपसे जुड़ा हूँ, काफी समय से सोच रहा था मैं आपसे मिलूंगा, बात करूँ और आपको थैंक यू बोलूँ। ओके ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी। हाँ जी मनीष जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम एस जे सर। हाँ जय भीम सर, मैं आपसे बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, बस आपको देख देख कर मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है सर। मैं आदिवासी समाज से हूँ सर। ओके जी बताएं। तो, क्योंकि सर जो मेरा गांव है वहाँ एससी और एसटी दोनों निवास करते हैं, ओबीसी भी रहते हैं सर, लेकिन ओबीसी सर एससी और एसटी को इस नजर से देखते हैं जैसे बहुत छोटी जाति हो, जैसे उनको मतलब ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा मतलब उनके साथ बैठना उठना होता है, उनके साथ जैसे यादव समाज है उनके लिए खाना बना देना सब कुछ कर देना, तो उनको एक फायदा मिलता है। तो वो ये सोचते हैं कि हम इन एससी और एसटी से बहुत ऊंचे तबके के हैं, तो हमारे साथ बहुत भेदभाव करते हैं सर, इस टाइप से वो व्यवहार करते हैं सर। ओके और सर ये जो मेरे समाज में सर शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है सर, मतलब शिक्षा है ही नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हमको बोलने का अधिकार जो है वो मोदी जी ने दिया है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे सर, और वो जाके वो एसटी समाज का समझिए। अच्छा अब वो व्यक्ति अपने घर में जाके या छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोटे और भी जो नहीं है पढ़े लिखे, तो उनको जाके वो चीजें बताएंगे तो वो शायद वही चीज ग्रहण करेंगे और वो बोले कि नहीं हमको तो बोलने का अधिकार मोदी जी ने दिया है, जबकि बाबा साहब की तो जो विचार है जो उनके संघर्ष है कहीं ना कहीं हम उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे सर, उनको वो नहीं कर पा रहे। तो मुझे भी लगता है कि सर मैं भी अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करूं, क्योंकि अभी मैं परसों नरसों मतलब 29 तारीख को सुमित सर से वो द न्यूज वीक वाले से बात हुई थी, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ आपको करना चाहिए, और मैं अपने क्षेत्र को तो क्या ही डिस्क्लोज करूं सर, लेकिन मेरा समाज आदिवासी समाज है, मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो एजुकेशन सर ना के बराबर है, ना के बराबर। वो लोग सोचते हैं कि एजुकेशन का सिर्फ मतलब नौकरी पाना है, नौकरी करना है, खत्म हो जाना है, और एक्चुअल में वो समाज के लिए जो उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर वो मतलब नहीं निभा पा रहे सर। तो इसलिए मैं सोचता हूँ, मेरी मम्मी भी ये चीज सोचती है कि घर से बाहर निकलो और ये चीज करो, क्योंकि हम बाबा साहब के जो विचार हैं जो संघर्ष हैं कहीं ना कहीं हम उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हमारे समाज वाले लोग इसके जो हक अधिकार है वो नहीं पहचान कर पा रहे हैं सर। तो सर मेरा सजेशन मतलब सजेस्ट आपसे चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए सर अपने समाज के लिए। जी मनीष जी देखें, मोदी जी पे आपने जो कहा वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, तो मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है, हाँ कोई बात नहीं मैं बोल देता हूँ, तो क्योंकि हमने हमारा यहाँ पे रूल है कि हम लोग पॉलिटिकल बातें नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है कि बोलने की आजादी किसी गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में दिलाई है, ये पूरी तरह झूठ है। मेरे ख्याल से अरुण जी आप इस पर बोलना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसे लोगों को ये भाई जी कह रहे हैं ना हमें क्या करना चाहिए। यस सर। तो पता है भाई आपको हमारे डिजिटल दुनिया में प्रवेश करना चाहिए, और आपको अपने मोहल्ले के अपने एरिया की इन चीजों को जागरूक करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को जो बहुजन समाज के महापुरुष थे उन्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ लोगे इन्हें तो खुद आपके स्वभाव विचार से आपके आसपास वाले लोग बदलने लगेंगे, और आप चाहो तो डिजिटल तरीके से समाज के लिए कुछ कर सकते हो अपने एरिया के लोगों को भाई, क्योंकि जहाँ पे लोग देखना सुनना पसंद करने लगते हैं वहां पे जागरूकता धीरे धीरे आने लगती है, और आप अपने एरिया के होगे तो लोग जरूर आपको सुनेंगे देखेंगे। नहीं बाकी सर, ये चीज मैंने भी मतलब बात पे कोई टिप्पणी ना कर सकता भाई। नहीं नहीं सर, वो मतलब मनीष जी एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा कि देखें, एक चीज आप समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो हो वो अगर किसी धर्म ग्रंथ ब्राह्मणिकल धर्म ग्रंथ को सपोर्ट कर रहा है, उनके देवी देवताओं को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो कभी भी आपको किसी हकूक अधिकार देने की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ है उनमें साफ साफ शूद्रों को अंत्यजों को जो भी पिछड़े हैं इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अगर वेद सुन ले, ये लोग बोलते हैं कि वेद का मतलब ज्ञान होता है, वेद का मतलब पढ़ाई एजुकेशन होता है, मतलब वो सुन ले तो कान में शीशा पिघलाने की बात जहां लिखी हो, एक किताब नहीं मल्टीपल किताबों में, चाहे वो ब्रह्मसूत्र हो, चाहे वो इनका मनुस्मृति हो या गौतम धर्म सूत्र हो, और भी तमाम ग्रंथ है, जब ऐसी बातें लिखी हो जहां पे जीभ काट लेने की बात हो कि उच्चारण कर दे, तो वो समाज आपको बोलने की अनुमति कैसे दे सकता है।
जो इनके समर्थक हो, क्योंकि वो तो अपने धर्म ग्रंथ में ये सब आपको आपके आपके जमीन छीन लेने, आपके संसाधन छीन लेने, धन छीन लेने, एजुकेशन छीन लेने, आपको प्रताड़ित करने, मारने काटने की बात करते आया हो, सदियों से करते आया हो, मतलब हजार सालों से करते आया हो, वो अब वो आज भी उसी का समर्थन कर रहा हो, तो आप किस मुंह से सोच रहे हैं कि वो आपका भला कर देगा। ये फणीश्वरनाथ रेणु जब कथा कहानियां लिखा करते थे, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, तो उसमें एक बड़ा अच्छा वो कहानी लिखते थे कि इलेक्शन आया, इलेक्शन में भेड़िया जो है फिर से भेड़ के पास गया, बोला कि अब मैं आपको नहीं खाऊंगा, आपके हक अधिकार की बात करूंगा। अब भेड़ जो है उसी भेड़ में से कुछ उसके समर्थन में आ गए कि हाँ ये भेड़िया सही बोल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा कि शिकारी जो है वो शिकार का कितना भी प्रॉमिस कर ले, शिकारी शिकार शिकारी ही होता है, शिकार शिकार ही होता है। इसीलिए अपने लोगों को हमें ये सिखाना है कि अपने लोगों को पढ़ें, अपने लोगों की किताबें पढ़ना शुरू करें, बाबा साहब को पढ़ें, और भी जो बहुजन राइटर जो आ रहे हैं लिख रहे हैं इनको पढ़ना शुरू करें ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उनको वो वाली वीडियो दिखाएं बाबू जी जाके भाई, जिस वीडियो में मोदी जी ने कहा है कि बाबा साहब ना होते तो मैं प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। हाँ सर, हाँ सर, ये वाला वीडियो मैंने दिखाया भी था उनको, फिर जाके तो वो चीजें मैंने बोला जो संभव हो सके। यहाँ तो ये बात आ गई कि उनको भी अधिकार बाबा साहब ने दिया। लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आके हमारे समाज में दो मतलब तीन चार लोग ऐसे बैठे थे और वो ये बोल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता है। अब यहाँ सर मैंने आपके वीडियो देखे हैं सब, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। फिर हालांकि अब मैं आपके सारे वीडियो देखा हूँ, अभी रिसेंटली कल आज ही दोपहर तक देखा हूँ, तो ये सारी चीजें मैंने देख देख के उनसे बोला। और मेरे पिताजी भी बैठे थे, टीचर है, प्राइमरी टीचर है, लेकिन उनके उनको नहीं कह सकते कि उनको इतना पता होगा, तो वो इतने गलत तरीके से बता रहे हैं कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता है सर। तो ऐसे कैसे उनको मतलब जवाब दिया जाए सर? देखें ये तो बहुत आसान है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो एज बताई गई है वो लगभग 4,500 साल बताई गई है, 4,500 साल के करीब है, 5,000-4,500 साल। उसी के पैरेलल में 5,000 साल पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता है। Yes. अब सवाल ये है कि अगर वो किसी आर्य की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो फिर वहां पे तो स्विमिंग पूल मिल रहा है, वहां पे तो स्तूप मिल रहे हैं। अब तो इटली से लेकर जर्मनी से लेकर अमेरिका, तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी है, अमेरिका का जो नेचर पत्रिका है उसने, साइंस पत्रिका है उसने कह दिया कि भाई सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्तूप बना हुआ है, मिला है 4100 साल पुराना, 4100 साल पुराना स्तूप बना हुआ है, इतना बड़ा सा। तो वहां स्तूप बनते थे, मंदिर काहे नहीं बनते थे, टेम्पल काहे नहीं बनते थे? और दूसरी बात कि आर्य अगर वहां पे इतने बढ़िया बढ़िया अच्छी रोड बना रहे थे, इतना बढ़िया पका हुआ ईंटा से इस्तेमाल करके कई मंजिला घर बना रहे थे, तो उसके बाद से इनका वैदिक काल स्टार्ट होता है, उसमें अनपढ़ गंवार बन के कैसे रहने लगे मड़ई टाटी में? yes, कहां रहने लगे कि उसका बुद्धि इनको नहीं मिला? भाई दुनिया दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करती है। भाई भारत में मुगल आया तो मुगल को लोग कहते हैं कि तो अरब में मंगोल में रहते थे सब, वहां तो पहाड़ी इलाका है, वहां तक कोई बिल्डिंग ही नहीं बना पाए। लेकिन देखिए भारत में आए तो भारत में बिल्डिंगें बनाने की प्रथा थी, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी ताजमहल खड़ा कर दिया, जो भारत के अमरावती स्तूप है उसकी नकल है ताजमहल, बहुत कम लोग जानते हैं। अमरावती स्तूप जो है बुद्धिज्म का, उस स्तूप की ही 2 कॉपी ताजमहल बनाया गया है, उसी से प्रेरित है। अच्छा, उसके बाद से ये बात लोगों में ना आ जाए तो जबरदस्ती तेजो महालय का हुआ खड़ा किया गया, ठीक है ना? एक्चुअल खबर ना आ जाए मार्केट में तो दूसरा कहानी कर दिया गया। अब देखिये लाल किला बना रहा है, हुमायूं टॉम बना रहा है, तरह तरह के वो बना दिए सब, जो नहीं बनाते थे वो भी भारत में आके बना दिया। तो भाई ये लोग इतने बड़े विद्वान थे कि भारत में आए कह रहे हैं कि हम बुद्ध से पहले आए थे, वो आए तो उनका एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। अरे भाई जब अनपढ़ गंवार जो आके अकबर था, बताइए अकबर को कहते हैं कि अनपढ़ था, वो आके इतनी बड़ी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर गया, तो ये लोग पढ़े लिखे थे तो कहे नहीं, इनका एक भी सड़ा हुआ मड़ई टाटी का एक पत्ता तक आज तक नहीं मिला इनके सबूत का, इनका एक तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे आसान है कि भाई सबूत एविडेंस मायने रखता है ना, सिर्फ और सिर्फ सबूत। देखिए मैं कुछ भी बोलूं, आप कुछ बोलिए, वो कुछ बोले, कोई मायने नहीं करता, सिर्फ एविडेंस। एविडेंस है तो भैया दिखा दो, एविडेंस आप भी मानोगे, हम भी मानेंगे, दुनिया भी मानेगी, ठीक है ना? तो बस एविडेंस एविडेंस दिखाते वो। अच्छा अब एक और बात,
इनकी किताबों में 17 लाख साल पहले रामायण का जिक्र है, समझ रहे हैं। दुनिया कब बनी, ब्रह्मा ने कैसे बनाया, मुंह खोला कैसे, कैसे मुंह से बच्चा पैदा कर दिया, कैसे मुंह से प्रेग्नेंट हुआ, वो सब कहानी का जिक्र है इनमें, ठीक है ना। अंडा के खोल से निकल के पैदा हुआ ब्रह्मा, सब लिखा हुआ इनकी किताब में। बस इनको 4,000 साल पहले 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रत्ती भर जानकारी नहीं है इनको, ठीक है। 5,000 साल पहले महाभारत बता रहे हैं कि हस्तिनापुर हुआ, ये बता रहे हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो आज का पाकिस्तान वाला इलाका है, भारत का पश्चिम उत्तर, उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है पैरेलल में। आज बोल रहे हैं कि उन्हीं का, ये तो कहिए कि अंग्रेज कर्निंगम आके सब पता होता लगा के गए। वो ट्रेन बन रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और जो लड़के हैं वो वहां से उठा उठा के ला रहे थे ईंट। अब एक अंग्रेज ने देखा कि अरे ये ईंट बिछाने के लिए ईंट कहाँ से इतना पका पका अच्छा अच्छा ईंट लेके आ रहे हैं। वो गया तो देख रहा है कि पूरा का पूरा जो टीला था, मुर्दों का टीला था, वहां से उखाड़ उखाड़ के ला रहे थे। कहा कि यार ये तो कोई पुराना समय वो लग रहा है, पुरानी कोई जगह लग रही है। पता चला बाद में खुदाई हुआ 1922-23 में कि यही सिंधु घाटी सभ्यता मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति निकल आई। तो ये इनको रत्ती भर जानकारी नहीं है, उसको भी आज बाबूजी बना लिया, ये समझ रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे, सावरकर कह रहे थे कि हम तो ईरान से आए हैं, केदारनाथ पांडे कह रहे हैं कि हम तो भैया वहां से आए हैं, बोलगा से आए हैं, वो कह रहे हैं दयानंद सरस्वती कि हम तिब्बत से आए हैं, इनका तिलक जो कह रहा है कि हम तो अर्काटिका से आए हैं, पता नहीं कौन सी टीका से आए हैं। इसी तरह से केशव कह रहे हैं हम भाई इधर से, नेहरू कह रहे हैं कि हम उससे मेडिटेरियन एशिया से हैं, सबके सब विदेशी बता रहे हैं। और अब विदेशी भी बता रहे हैं, इनकी वो सभ्यता भी हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये बहुत आसान तरीका है इन लोगों को डिबंक करने का। जी ठीक है मनीष जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, जय भीम सर। हाँ जय भीम। अच्छा चले आगे, एक नए कॉलर को ले लेते हैं, चंदन भारती आए हैं, इनसे दो बातें ले लेते हैं। हाँ जी चंदन जी। हाँ जी, बहुत शॉर्ट में बात रखूंगा सर। जय भीम आप सभी को, और अरुण भाई, अरे अरुण भाई प्रकट हो जाइए आप। जय भीम भाई, प्रकट हूँ मैं। प्रकट हो जाइए आप। प्रकट हूँ भाई मैं तो। अच्छा अच्छा, आपको मैंने एक कॉल किया था 3 बजे, 3-4 बजे के आसपास, याद दिलाने के लिए कि भाई आपको आज साइंस जर्नी पे आना था, मैं था। अच्छा, और देखिए अरुण भाई को जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको अरुण भाई के विषय में थोड़ा सा 1 मिनट में ही बताऊंगा। अरुण भाई वो हस्ती है जो अपना एक अलग व्यक्तित्व, अलग पहचान बनाकर रखा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब, इस सब पे अलग बंदा पहचान बनाकर रखा है। इसकी अरुण भाई की जो लड़ाई है वो बहुजन समाज को सही तरीके से जागरूक करना है। अभी कहीं एक सभा हुआ था ना, कौन सा सभा हुआ था, उसमें बाबा साहब का फोटो नहीं था, वहां पे जाकर अरुण भाई ने आवाज उठा दिया। चमार महासम्मेलन था, चमार अधिवेशन, उसमें बाबा साहब का फोटो नहीं, अरुण भाई इसके लिए अड़ गए, बाबा साहब का फोटो नहीं तो कौन सा अधिवेशन कर रहे हो भाई। तो उसके ऊपर काफी बवाल मचा, बाद में उन लोग कुछ माफी वाफी भी मांगे, भाई गलती हो गई है, जो नए लड़के है उन लोग ने कुछ कर दिया है। तो अरुण भाई वो हस्ती है, अगर सामने वाला गलत है तो उसके लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है अरुण भाई को। चंदन जी मतलब कि आपने क्या बताया, कौन सा अधिवेशन था? चमार अधिवेशन। अच्छा, अब वहाँ पे बाबा साहब की फोटो नहीं लगी थी? नहीं, किसकी लगी थी वहाँ पे? सिर्फ फोटो लगी थी भाई, वो एक दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन 1 अप्रैल था शायद, 1 अप्रैल का दिन था, वो दिन मुझे कन्फर्म नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ पे बाबा साहब की एक भी तस्वीर नहीं लगी थी वहाँ पर। तो जो कुछ लोग थे वहाँ पे, 4-5 लोग, वो खड़ा होकर इस बात का विरोध किए। तो मंच से एक व्यक्ति ने ये बोला खड़ा होकर कि जिन्हें बाबा साहब पसंद है वो यहाँ से उठ के चला जाए, ये सम्मेलन चमारों का है और यहाँ पे रविदास जी की तस्वीर लगी है ना, सिर्फ यहाँ बाबा साहब की तस्वीर की जरूरत नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने विरोध किया था वो एक बंदा था, लेकिन वो अकेला जैसे उठा उसके पीछे एक बड़ी भीड़ उठ गई। मतलब उस जहाँ से कम 1,000 लोग तो उसके पीछे, 1,000 लोग थे ही नहीं, 100 लोग उसके पीछे चले गए। तो बाद में जिसने ये बात कही थी कि जिन्हें बाबा साहब पसंद नहीं है वो चले जाए, उसने माफी नहीं मांगी लास्ट तक। जो उस सम्मेलन का आयोजक था, मुख्य आयोजक जिसने अरेंजमेंट सारी चीजों का किया था, उसने अपनी नाक रगड़ के वहां सबके सामने माफी मांगी और बाबा साहब की एक छोटी सी फोटो मंगाकर वहां स्टेज पे लगाई गई। लेकिन उसके बाद भी जो लोग भी वहां आ रहे थे, कोई भी बाबा साहब के मतलब फोटो पे फूल माला नहीं चढ़ा रहा था, सीधे रविदास जी की माला पे फूल माला चढ़ा रहे थे और जाके बैठ जा रहे थे।
बाबा साहब का जो एक एक अपने समाज के सिंगर है जिनका नाम है, वो आपने गाना सुना होगा, कोई शंकर कोई राम ना पूछे, बाबा साहब का फैन वैसे कुछ गाना है, नाम नहीं आ रहा है उनका मुझे याद। वो उनके बहुत फेमस फेमस गाने हैं, उन्हें बाबा साहब का गाना गाने पर रोक दिया गया, उन्हें बाबा साहब के नाम का कोई गाना गाने नहीं दिया जा रहा था, लास्ट में वो मंच छोड़ के चले आए। वो अपने समाज के बहुत अच्छे खासे सिंगर हैं वो। तो मतलब समाज में ऐसा भी एक वर्ग खड़ा किया जा रहा है जो बाबा साहब के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। बैनर पे पता है क्या लिखा था उनके बैनर का, जो मेन हेडिंग था उस पे उस प्रोग्राम का, जाति जोड़ो संस्कृति बचाओ। बताइए अब बाबा साहब को ही गायब। हाँ उनका एक सुनिए ना, उनके मन में जो पता क्या बात थी, उनके जो मेन उनका गुस्सा जब बाबा साहब के प्रति जो गुस्सा था, वो सारे के साथ अपने लोग थे, सबके सब एसी वर्ग के लोग थे, सब रविदास जी को मानने वाले लोग थे, अपने समाज के सब लोग थे, पर उन्हें लगता था कि बाबा साहब की सबसे बड़ी गलती हिंदू धर्म को छोड़ देना। तो हिंदू धर्म है कहाँ पे ये बता तो देते कोई। मैं तो आज तक यहाँ पे चैलेंज रखा, मैंने यहाँ पे चैलेंज रखा, 5 लाख का रखा कोई नहीं आया, 10 लाख का रखा कोई नहीं आया, 15 लाख का रखा कोई नहीं आया, 25 लाख तक का रख दे कि भैया अब तो आजा, कोई प्रूफ तो कर दे कि हिंदू धर्म है कहाँ पे।